मैं हूँ इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। आने वाले ईद मिलादुन नबी और बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि के फैसले को लेकर मुंब्रा पुलिस अब सतर्क हो गई है। कल मुंब्रा पुलिस स्टेशन में एसीपी घोसाल, सीनियर इंस्पेक्टर मधुकर कड़, मनपा कर्मचारी, दमकल विभाग के कर्मचारियों के साथ शहर के जिम्मेदार समाज सेवकों के साथ एक मीटिंग ली गई थी। इस मीटिंग में फैसला लिया गया कि ईद मिलादुन नबी के दिन निकलने वाले जुलूस में पुलिस बल का भारी बंदोबस्त रहेगा ताकि किसी भी तरह से शहर का माहौल खराब ना हो सके। जुलूस में किसी भी तरह कोई ऐसा नारा ना लगाया जाए जिससे किसी के भावनाओं को ठेस पहुंचे। पुलिस इस पर सख्त हिदायत दी है। साथ ही बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि पर आने वाले फैसले को लेकर भी पुलिस ने शांति बनाए रखने की लोगों से अपील की है। पुलिस की तरफ से कहा गया है कि जो भी न्यायालय की तरफ से फैसला आएगा उसका सभी लोगों को सम्मान करना है। अगर किसी ने भी अफवाह फैलाई या सोशल मीडिया में किसी भी तरह की आपत्तिजनक पोस्ट किया तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। पूरे शहर के साथ साथ सोशल मीडिया पर भी पुलिस की नज़र बनी हुई है। मुंब्रा पुलिस स्टेशन के सीनियर इंस्पेक्टर मधुकर कड़ ने क्या जानकारी दी है। आने वाले 10 नवंबर को ईद मिलाद उन नबी का मुंब्रा में बहुत बड़ा जुलूस निकलता है। उस हिसाब से हमने मुंब्रा पुलिस स्टेशन की तरफ से और माननीय पुलिस आयुक्त साहब ने हमें नियर अबाउट 50 ऑफिसर्स और 250 पुलिसमैन दिए हुए। उसके साथ में हमारे साथ में QRT और उसके बाद में स्टेट रिजर्व पुलिस के फोर्स के प्लाटून साथ में रहने वाले सभी बंदोबस्त का इंतजाम किया हुआ है। पॉइंट्स लगा के रखे हैं हमने और जुलूस शांति और अमन से कायम रहेगा। मेरी तरफ से और मेरे पुलिसियन की तरफ से सभी पुलिस वालों की तरफ से आपको ईद उल नबी का हमारी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। और मेरी दूसरी बात यह है कि कोई सोशल मीडिया में कोई अफवाह आती है तो उसके ऊपर दूर रहिए, कोई उसके ऊपर कमेंट्स मत कीजिए। जो कि दोस्त समुदाय के बीच में या कोई चीज़ में ऐसी कमेंट्स करेगा उसके ऊपर हम लोग गुनाह दाखिल करेंगे, उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। तीसरी बात, बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि का फैसला अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट भारत सरकार दे रहा है तो वो फैसले को सभी को मान्य करना चाहिए। जो भी फैसला आएगा, कोई भी कम्युनिटी के इसमें आएगा, जो भी फैसला आएगा वो आपको मानना पड़ेगा। और वो शांति मोहम्मद पैगंबर साहब ने जो शांति और अमन का संदेश दिया हुआ है वो आप लोग कायम रखिए। 92-93 के बाद में यहाँ मुंब्रा में अभी तक कोई राइट का या दंगल का कोई इतिहास नहीं है, वही कायम रखिए। मेरी यही आपसे अपेक्षा है और जुलूस को हम लोगों के लिए साथ दीजिए। सुना आपने, पुलिस किसी भी तरह कानून तोड़ने वाले को बख्शेगी नहीं। साथ ही पुलिस ने ये भी कहा है, शहर में कोई भी व्यक्ति अगर संदिग्ध लगे तो इसकी सूचना पुलिस को दे, कोई भी कानून हाथ में लेने की कोशिश ना करे, नहीं तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप फेसबुक पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।